लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बेतुकी बयानबाजी देने का एक कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है। एक मंत्री महोदय कहते हैं ओला उबर चल रही है इसलिए रोजगार की कोई समस्या नहीं है, कानून मंत्री कहते हैं पिक्चरें अच्छी चल रही हैं कोई समस्या नहीं है, और असली छक्का और चौका तो अब बेतुकी बाजी में हाल ही में एक और सांसद ने मारा जब उसने कहा जीडीपी का तो भविष्य में कोई उपयोग ही नहीं होगा। एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है और देश की बात में जनता की तरफ से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये अर्थव्यवस्था क्या इस देश में दो मौसम हैं? एक अच्छा मौसम भाजपा के लिए जहां उनका चंदा सबसे ज्यादा बढ़ गया है, भाजपा के खजानों में जो गोपनीय इलेक्ट्रल बॉन्ड हैं उनके द्वारा सबसे ज्यादा चंदा गया है, जो आंकड़े आए हैं 950 करोड़ से ज्यादा। दूसरा, एक महलों जैसे दफ्तर खड़े हो गए हैं, गुजरात की भाजपा की सरकार 200 करोड़ रुपये का तो जहाज ही सैर सपाटा के लिए खरीद रही है, इश्तेहारबाजी में आपका और मेरा पैसा 4500 करोड़ से ऊपर लग गया है, और दूसरी तरफ देश के कारखाने बंद हो रहे हैं, छोटा व्यापारी मध्यम व्यापारी रो रहा है, बड़ी जो देश की इंडस्ट्रीज है पार्ले जी बंद हो रही है, जो कंप्यूटर रेवोल्यूशन राजीव गांधी जी लाए थे उसके जो चलते चलते आज एक मजबूत कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्री इस हिंदुस्तान में खड़ी हुई थी वहां तक भी नौकरी से लोगों को निकाला जा रहा है। तो अगर इस अर्थव्यवस्था के तराजू में भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति को तोला जाए और देश की स्थिति को तोला जाए तो भाजपा माला माल और देश की जनता कंगाल। देश पूछना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरफरोशी और शिद्दत से अगर देश के राष्ट्रपति को सुबह 4 बजे उठा के राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में हटा सकती है सुबह 5:40 में, तो भारतीय जनता पार्टी खुद नींद से क्यों नहीं उठ रही इस देश की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए।